हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में माफियों को संरक्षण मिलने व कांग्रेसी नेताओं द्वारा अवैध कटान, खनन माफिया व शराब माफियों का पोषण करने का मंत्री राजेंद्र गर्ग ने गंभीर आरोप लगाया है। राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार सहित वर्तमान में भी कांग्रेसी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए माफियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार इन माफियों पर नकेल कसने के काम कर रही है, मगर कांग्रेसी नेता इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भी कांग्रेस को लोगों ने बुरी तरह से पिछली बार नकारा था और कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के माफियों का पोषण हुआ, उसका पर्दाफाश हुआ था और आज भी जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संरक्षण में माफिया बढ़ रहे थे, उसके ऊपर हमारी सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाई है, उन पर नकेल कसी है और ऐसे कांग्रेस भी का जो काम था उनको पालने का, वो भी जनता के बीच में जो है वो बेनकाब हुआ है और इस तरह से जनता कांग्रेस के चरित्र को जान गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 4 वर्षों के अंदर जो ईमानदारी के साथ शानदार तरीके से विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो प्रदेश का विकास किया है और समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, वृद्धा पेंशन की बात हो, हिम केयर की बात हो और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 का शगुन देने की बात हो और प्रदेश के अंदर एक वर्ष में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के जो बंधु हैं उनके लिए 1,000 मकान बनाने की बात हो, एक लंबी छलांग उन्होंने लगाई है जिसके कारण प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और प्रदेश की जनता आज उनको अपने सर आंखों पर बिठा रही है। और आज प्रदेश के अंदर छोटे से कार्यकाल में 1.5 वर्ष के अंदर में ही कोरोना जैसी परिस्थितियों में जहां 2 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट होते थे, आज 48 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न अस्पतालों में स्थापित हुए हैं, एक नया कीर्तिमान प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ है। इससे ही श्री जयराम ठाकुर जी की कार्य करने की जो नीयत है और जो स्पीड है उसको पहचाना जा सकता है, ताकि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिस कारण लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि आने वाले चुनावों में 2022 नवंबर में जो चुनाव होंगे उनमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, ये इस बार से सिद्ध हो गया है। कांग्रेस जो दिन में सपने देख रही है, लोगों में भ्रामक प्रचार प्रसार करके इस प्रकार एक जो परंपरा के नाते वो सोचती है कि परंपरा के नाते हम आ जाएंगे प्रदेश के अंदर, वो परंपरा अब नहीं रहेगी। अब परंपरा यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बने। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।